हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2019 की फिल्म टूटे सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कशन में हम 8 और 9 अक्टूबर दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम यहाँ पे कवर है वो करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आपके सामने वो आया है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। तो क्या है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ग्रीन क्रैकर्स का मतलब है, आपको लगा होगा कि यार पटाखे होते हैं वो ग्रीन कैसे हो सकते हैं। इसका देखो बेसिकली मतलब ये है कि जो नॉर्मली पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, बट जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे ना, ये नुकसान कम पहुंचाएंगे और इसी के साथ ही जो पोल्यूशंस की मात्रा होती है इनमें, जो पोल्यूटेंट होते हैं, वो भी काफ़ी कम होंगे और कंपेयर टू मार्केट से सस्ते भी रहेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, नुकसान कम रहेगा, ऑल ओवर बात हम ये कह सकते हैं। न्यूज़ ये आई है अभी कि इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR है, उसने अभी ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको डेवलप किया है, ताकि भाई अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, आगे न्यू ईयर आ रहा है, तो ऐसे मौके पे हम नॉर्मल पटाखों के बजाय ग्रीन पटाखे हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं, इनका यूज़ करें ताकि वो हमें नुकसान कम पहुँचाएँ। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नुकसान है वो कम पहुँचाएंगे, इसी के साथ ही डेंजरियस है वो भी कम डेंजरस होंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब इन पटाखों को चलाया जाएगा तो इनसे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा पानी की बूंदें। तो वो पानी की बूंदें क्या करेंगी, पानी की बूंदें जो भी इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट वगैरह होगी, धुआं होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो इसलिए भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पटाखे जब जलते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है ये एमिट होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा है इन ग्रीन क्रैकर्स में लगभग 30 से 35% कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, बस कम हो जाएगी, तो नुकसान में वो कम है वो पहुँचेंगे। इसी के साथ ये पटाखे कंपेयर टू मार्केट में जो और पटाखे होते हैं इनसे सस्ते भी रहेंगे और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी इसमें मिलेंगे। वैसे तो इसके साथ एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी कि गवर्नमेंट ने जब ये ग्रीन पटाखे स्टार्ट किए हैं, इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखी है कि भाई जो पटाखे रहेंगे इनके ऊपर एक बारकोड से सिस्टम रहेगा, जैसे QR कोड होता है ना उसी तरीके से, तो उसी बारकोड या QR कोड की हेल्प से आप पटाखों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं या नहीं है। अब देखो, एक बात ये आती है कि जो पटाखे हम यूज़ करते हैं इनमें अलग अलग कलर होते हैं, तो कौन सा कहाँ कलर होता है वो हम एक बार एक करके देख लेते हैं कि कौन सा कलर कौन से केमिकल से जनरेट होता है। जैसे जो रेड कलर होता है बेसिकली वो स्ट्रोंटियम सॉल्ट होते हैं, नाइट्रेट कार्बोनेट्स वगैरह के, तो उनसे जनरेट होता है। इसी के साथ ही अगर पटाखों से ऑरेंज कलर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है कैल्शियम के सॉल्ट हैं, जैसे कार्बोनेट है, क्लोराइड्स है, सल्फेट्स वगैरह ये हैं। अगर येलो कलर जनरेट हो रहा है पटाखों से, इसका मतलब है कि उसमें सोडियम साल्ट हैं वो यूज़ किए गए हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड्स और सोडियम के। और ग्रीन कलर तब निकलता है जब वो बेरियम सॉल्ट उसमें यूज है वो किया जा रहा हो, और ब्लू कलर तब होता है जब पटाखों में कॉपर सॉल्ट को यूज़ किया जा रहा हो, या कार्बोनेट, या हम बात करें तो ऑक्साइड ऑफ कॉपर को यूज़ करें तो। और पर्पल कलर तब जनरेट होता है जब कॉपर और स्ट्रोंटियम कंपाउंड्स हैं इनके कॉम्बिनेशन को यूज है वो किया जाते हैं। और वाइट पटाखे तब जनरेट या वाइट कलर तब जनरेट होता है जब कोई भी उसके अंदर मेटल्स है, जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, या टाइटेनियम हुआ, ऐसी जब मेटल्स जलती हैं तो वाइट कलर जनरेट होता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड है वो करवा दी है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो आया है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स 2019। न्यूज़ ये आई है कि 39वां जो एडिशन है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स का वो इंडिया में आयोजित किया गया है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया के अंदर कोई वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स वो जनरेट या स्टार्ट है वो की जा रही है। देखो, इससे पहले भी इंडिया 2 बार होस्ट कर चुका है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स को, एक तो 1986 और एक है 2007, और अब की कब गिरा है 2019 में। ये जो इस बार की वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स हैं ये बेसिकली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड इसी के साथ ही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी KII, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडस्ट्रियल हो गई यहाँ पे टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ ही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इन दोनों के द्वारा जनरेट की एक से स्टार्ट की जा रही है। कहाँ पे, उड़ीसा में एक भुवनेश्वर नाम की जगह है वहाँ पे। बेसिकली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो कांग्रेस ऑफ पोइट्स है इसको बेसिकली 1969 में स्टार्ट है वो किया गया था, फिर इसके अलग अलग एडिशन है वो आगे कंटिन्यू किए जा रहे हैं। इस बार की थीम है वो रखी गई है यहाँ पे कंपेशन थ्रू पोइट्री।
अब देखो इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं कि कौन ऐसे पोइट है, कौन ऐसे कवि हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया एक तो ये रखा गया है कि भाई जो भी वो पोइट है उसको मिनिमम एक बुक पब्लिश करनी है, किसके साथ, ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक के बारे में। तो हम देखेंगे कि बुक नंबर क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही एक कंडीशन ये रखी गई है कि भाई जो भी पोइट है उसके पास एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए पोइट्री सोसाइटी के द्वारा कि हाँ भाई एक मतलब एक वैलिड कवि है। तो इसीलिए बस ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे आई है ISBN, तो ये क्या हम देख लेते हैं। ISBN का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। देखो आपने बुक के पीछे एक बार कोड देखा होगा, ऐसा इस बार कोड के ऊपर देखो यहाँ बाकायदा लिखा भी रहता है ISBN 9783, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। तो बेसिकली जिस बुक पे ये ISBN नंबर होते हैं इसका मतलब ये है कि ये बुक है वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्टिफाइड है, वो की गई। आप सीधा से ऐसे समझ सकते हो कि उसी बुक के पास ISBN नंबर होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में रजिस्टर्ड हो या उसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है वो किया गया हो। तो इसके लिए काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि कॉपीराइट वगैरह का, कि कहीं से कॉपी वगैरह नहीं हो, कंटेंट क्वालिटी का भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो वो सारी फुलफिल करनी होती हैं। बेसिकली हमारे देश में जो ये ISBN होते हैं बुक्स के नंबर वगैरह, ये HRD मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट है, वो किए जाते हैं। तो ये आपको दो चार छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी है। इन जो ISBN नंबर होते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि बुक की क्वालिटी कैसी है, मतलब किस मैटर से रिलेटेड बुक है, कहाँ से पब्लिश की गई है, कौन सा इसका पब्लिशर है, क्योंकि इन नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट है वो की जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC IOR। देखो इंडियन ओशियन रीजन यानी कि जो हमारा हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, आपको पता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो लगभग जो 40% ऑयल है, क्रूड ऑयल है, इसका जो आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन है वो बेसिकली इंडियन ओशियन रीजन से ही होता है। और आज के टाइम पे जो एनर्जी सिक्योरिटी की डिमांड है या मांग है वो ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है वो रहती है, इसीलिए इंडियन ओशन की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास का नेबरहुड का एक तो काफ़ी बड़ा इशू रहता है और कहीं भी अटैक वगैरह हो सकते हैं टेररिज्म वगैरह को लेकर। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर डेवलप किया गया था कुछ साल पहले, जो कि इंडिया के जो गुरुग्राम है जिसका नाम पहले गुड़गांव था, वहाँ पे इस सेंटर को स्थापित किया गया था। इस सेंटर का काम ये है कि भाई मेरीटाइम यानी समुद्र के रास्ते से जो भी ट्रेड हो रहा है ना, शिप वगैरह आना जाना, सारे शिपिंग रूट हैं, इसको मॉनिटर है, ट्रैक है, वो किया जा सके, ताकि एक पता चले हमें कि कौन सी शिप आ रही है, कौन सी शिप जा रही है ट्रांसपोर्ट में, ताकि जो भी स्मगलिंग वगैरह होती है, जो भी अवैध शिप वगैरह होती हैं उनको रोका जा सके। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है, इसके साथ इस्टेब्लिश किया गया था गुड़गांव में। काम क्या है, इंडियन कोस्टल एरिया होगा या फिर जो इंडियन ओशन का रीजन हो गया उस एरिया में जो शिपिंग होती है इसको रेगुलेट है, मॉनिटर है, ट्रैक है, वो किया जा सके। फिर एक वर्ड आता है वाइट शिपिंग। देखो वाइट शिपिंग का मतलब ये होता है कि वो कॉमर्शियल शिप जो रजिस्टर्ड हैं और गवर्नमेंट के परमिशन के बाद वहाँ पे मूव है वो कर रहे हैं, मतलब लीगल एक तरह से शिपिंग जारी है इंडियन ओशन रीजन से, उसको हम बोल देंगे वाइट शिपिंग। तो यह आपको ध्यान में रखनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो देखो जो भी शिप वगैरह जाएंगे यहाँ पे होगा उनको ट्रैक किया जा सकता है आराम से कि कौन सा शिप कब आया, कब इंडियन टेरिटरी के अंदर आया वो, और कितने टाइम तक यहाँ पे रहा, क्या क्या उसमें सामान था। तो एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ों को बेनिफिट है, नॉलेज है, शेयर है, वो यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इंडियन ओशन की भाई इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडियन ओशन है उसमें काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लगभग वर्ल्ड का जो 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन है वो बेसिकली इंडियन ओशन के क्षेत्र में ही होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें फिशिंग की, तो इंडियन ओशन की फिशिंग है उसका लेवल भी, या बोल सकते हो कि फिशिंग है वो भी बढ़ती जा रही है। लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी फिशिंग होती है उसमें 15% फिशिंग तो अकेले इंडियन ओशन में यहाँ पे की है वो जाती है। इसी के साथ इंडियन ओशन में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे टाइटेनियम हुआ, जर्कोनियम हुआ, टिन हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकली आप बोल सकते हो कि इनकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS है क्या, पहले हम वो देखते हैं।
देखो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक एंड टू एंड सॉल्यूशन है, जो कि पेमेंट को ट्रैक करना, पेमेंट ट्रांसफर करना, मॉनिटर करना, उसकी अकाउंटिंग चेक करना, इसके साथ ही उसको हम बात करें तो उसकी रिपोर्ट करना, पेमेंट की, ये सारे काम किए जाते हैं इस सिस्टम के द्वारा। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। चलो दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट में जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सैलरी मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ही महीना हुआ तो गवर्नमेंट सबको अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने बैठेगी एक एक के। ये सारा क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है सारा कंटेंट फीड होता है कि हाँ भाई इसको सैलरी इस दिन मिलनी है, सारा एक साथ उसमें रजिस्टर्ड हो जाता है। तो फिर जो ही महीना होता है तो उसकी जो डेट फिक्स होती है उस दिन सारा पेमेंट कट के एक साइड से और जो भी वर्कर्स इंप्लॉय होते हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरीके से मान लो कि मनरेगा में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पैसा अकाउंट में आता है, तो अकाउंट में ये तो यानी कि एक एक का पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके लिए होता है सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में अकाउंट नंबर रहते हैं और उनके थ्रू पैसा है वो भेजा जाता है। तो अब आपको ये सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक केस मैनेजमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट में, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन भी मिले गवर्नमेंट को, और रिसोर्सेज कितने हैं वो भी पता रहे, और उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, और जो धांधलेबाजी होती है उसको भी इससे रोका जा सकता है। बेसिकली ये सब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, और ये सारा काम इम्प्लीमेंट किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। ये तो हो गया PFMS। अब हम बात ये करते हैं कि न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में देखो इसलिए है कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि भाई जो भी स्टेट्स हैं ना इनको बेसिकली PFMS के अंदर किसान है इनको रजिस्टर करना है। तो कैसे रजिस्टर करना है वो हम देखते हैं। ये किया गया था, देखो आपको पता है कि जब भी फसल तैयार होती है तो किसानों की जो फसल है वो प्रोक्योरमेंट जो एजेंसी होती हैं वो बाई करती हैं। अब प्रोक्योरमेंट एजेंसी पहले तो क्या होता था अभी तक कि उनको पैसे कैश में दे देती थी तो ताकि झंझट ना हो, बट इसमें काफ़ी धांधलेबाजी होती थी, पैसे खा जाते थे, गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा लग जाता था, काफ़ी सारे इशूज रहते थे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का इशू था। तो गवर्नमेंट ने ये किया अभी कि भाई आप स्टेट वाले सभी स्टेट्स को बोला है कि बेसिकली यहाँ पे पंजाब का कंटेक्स्ट है कि पंजाब फूड एंड जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है इसको ये कहा कि आप किसानों के जो अकाउंट नंबर है ना बैंकों के वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए, ताकि जो भी प्रोक्योरमेंट की जाएगी या पेडी की फसल की उसका सारा का सारा पैसा किसानों को आराम से मिल सके। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आढ़ती वगैरह होते हैं, बिचौलिए वगैरह होते हैं मार्केट में, उनका धंधा तो ठप हो गया। तो ऐसे लोग हैं वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इससे विरोध कर रही है आढ़तियों के चक्कर में इनके, कि भाई कहीं ना कहीं इनका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए सिस्टम है वो ईजाद किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे जियो टेल के बारे में। तो क्या है जियो टेल, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं। आपको पता है कि ये होगा एक साथ से, आप देख लीजिए एग्जांपल सन। तो सन से क्या है कि सोलर विंड जनरेट होती है चारों तरफ। अब सन से मान लो कि ये सोलर विंड है वो अर्थ की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अर्थ की तरफ मुंह यहाँ पे कर रही है, और ये होगी हमारी अर्थ यहाँ पे। अब आपको पता है कि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना बेसिक चीजें हम जानते हैं। अब देखो सन से जो सोलर विंड आती है ना इनको क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो इनको धक्का देता है कि भैया आप इधर मत आओ, मतलब दोनों में क्या होती है टक्कर होती है। तो इसके रिजल्ट क्या होता है कि देखो जो ये सोलर विंड होंगी ना वो यहाँ तक तो मतलब मरी मरी जैसे आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत कम जैसे जैसे पहुँच जाएंगी, ये हिस्सा तो आप जानते हो कि एकदम अर्थ का सामने है सन के और अर्थ का दोनों का, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको, इसीलिए यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अंदर एक लेयर से बन जाती है, आप ये बोल सकते हो कि एक सर्किल सा जनरेट हो जाता है ऐसे इस वे में। और इधर क्या होता है, ये देखो एरिया सन से थोड़ा डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे एरिया में क्या है इधर ये इस टाइप की शेप है वो ले लेता है, जिससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी एक शेप से जनरेट है वो हो जाती है। तो बेसिकली इसी को यहाँ पे नाम दिया गया है जियोटेल के बेसिस पे। जियोटेल क्या हुआ, जियोटेल इसका ये वाला हिस्सा हो गया जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये पीछे पूंछ की शायद दिख रहा है लंबा सा, ये पूंछ की शायद एक चीज है वो हो गई, इसी को जियोटेल के नाम से जाना जाता है। यानी क्या होता है सन से जो सोलर विंड आती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है, तो अर्थ के चारों ओर एक लेयर से जनरेट होती है कुछ इस टाइप की। अब ये जो लेयर होती है ना ये अंडे के आकार की होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इस साइड तो सन था तो इसलिए यहाँ पे तो थोड़ी पिचक गई, आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो पिचक गई है काफी, अर्थ देखो ये लेयर है वो यहाँ पे तो पिचक गई है, लेकिन इस वाले हिस्से में तो कोई यहाँ पे सोलर विंड है नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई,
क्योंकि सोलर विंड तो इधर थी सामने अर्थ के, तो इस वाले हिस्से में ये जो पूंछ का हिस्सा है शेप ले लेता है एक अंडे की शेप, यानी काफी ये अंडा जो इधर आप ये बोल सकते हो कि काफी लंबा हो जाएगा, एक तरह से बहुत दूर तक फैल जाएगा। तो ये एक शेप हो गई टेल की, इसीलिए इसको जियो टेल के नाम से जानते हैं। अब बात ऐसी है, ये सन था सॉरी हमारी अर्थ थी, तो अर्थ के चारों ओर है वो मून है जो भी चक्कर लगा रहा है। अब मून की एक ऑर्बिट होती है जिसको हम बोलते हैं लूनर ऑर्बिट। अब ये जो पूंछ होती है, ध्यान से सुनना, ये जो पूंछ थी अभी जियोटेल वाली, ये जो लूनर ऑर्बिट थी ना इसको भी क्रॉस करके आगे जा रही है। आपको दिख रहा होगा कि मूनर जो लूनर ऑर्बिट है वो तो यहाँ तक ही है, जबकि ये पूंछ है वो तो बहुत पीछे जा रही है, मतलब एक तरीके से आप बोलते हो कि अनंत तक चली जाती है पीछे की साइड, यानी सन के अपोजिट साइड होगी या अर्थ की अपोजिट साइड होगी, वहां पर तो काफी अनंत की तरफ है वो चली जाती है। तो इससे होता क्या है, इससे देखो हमें जो हमारा मून हुआ है ना इसकी स्टडी करने में काफी हेल्पफुल है वो हो जाती है, तो इसीलिए अभी बेसिकली न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना कि जियोटेल किससे रिलेटेड है और ये बनता कैसे है। अब बात ऐसी है कि मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो मून है वो बेसिकली अपना जो साइकिल लगाता है पूरा, उस साइकिल में लगभग 6 दिन के आसपास है वो इस जियोटेल वाले रीजन में ही गुजारते हैं। तो अभी वहाँ पे कुछ स्टडी की गई है तो उसी के कुछ फैक्ट सामने आए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जियोटेल है क्या, तो इससे भी स्पेस की स्टडी है वो की जा रही है। अब बात ऐसी है, हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, इसमें 3 चीज़ें थी, एक तो लैंडर था, एक रोवर था और एक था ऑर्बिटर। आपको पता है कि ऑर्बिटर था वहाँ तक सही काम हुआ, जबकि लैंडर और रोवर हैं दोनों ने सक्सेसफुली काम नहीं किया, क्योंकि जो लैंडिंग थी वो काफ़ी हार्ड हुई थी, इसकी वजह से काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त या नुकसान इनको होने की उम्मीद है वो की जा रही है। तो जो ऑर्बिटर है ना उसके में एक अभी बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था क्लास। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसने अभी मून की सरफेस की स्टडी है वो की है जियोटेल के रीजन के थ्रू। तो अब आपको समझ में आ गया कि मून है वो जियोटेल रीजन में था अभी, वो 6 दिन का टाइम पीरियड था उसमें, और वहां से उसने मून की सॉयल है उसमें स्टडी है वो की है, तो इसीलिए न्यूज में सारा मामला आया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फॉसिल्स ऑफ बंबू, यानी कि बांस के फॉसिल हैं वो अभी मिले हैं। तो क्या है फॉसिल्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, अभी न्यूज में इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखो बात ऐसी है, 2 फॉसिल्स हैं वो अभी डिस्कवर किए गए हैं। कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है, ये डिस्कवर किए गए हैं आसाम में। आसाम में एक माकुम कोयल फील्ड है, नीम माकुम नाम की कोयल फील्ड एरिया है जहाँ पे कोयले की खनन है, वो खदाने वो हैं। तो वहाँ पे 2 कोयले की स्पीसीज के जीवाश्म है अवशेष हैं वो है मिले हैं। एक का नाम है वो है बम्बू सिकुलम तिरापेसिस और दूसरे का नाम वो है बी माकुमेसिस, ये इनके नाम है वो रखे गए हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो फॉसिल्स है ना, ये जो अवशेष पाए गए हैं ये लगभग 28 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने हैं, लगभग 28 मिलियन साल हैं वो पुराने ये फॉसिल हैं। तो इससे क्या है सामने निकला है, देखो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहले देखो कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे, ध्यान से सुनना, पहले कुछ साइंटिस्ट हैं वो ये कहते थे कि जो बांस है ना वो एशिया के अंदर यूरोप से आया था, ये साइंटिस्ट कहते थे। अब आप देखो ये देखिए कि ये लगभग 28 मिलियन ईयर पुराने हैं, ये हमने यहाँ पे एक फैक्ट है वो देख लिया है। और जबकि बात क्या है, अब आपको कुछ कुछ फैक्ट है वो बता देता हूँ। इसी के साथ एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखना कि अभी तक जो सबसे पुराने बांस के फॉसिल थे ना वो चाइना के यूनान प्रोविंस में डिस्कवर हैं वो किए गए थे, और चाइना के जो यूनान प्रोविंस है यहाँ पे बांस की सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं, डाइवर्सिटी आप ये बोल सकते हो कि प्रजाति पाई जाती हैं। और जो चाइना में पाया गया है वो है लगभग 20 मिलियन ईयर पुराना, मतलब कि जो इंडिया में पाया गया है इससे तो काफ़ी नया है वो। अब इससे जो स्टडी है वो क्या क्या सामने है, इससे एक तो स्टडी ये सामने आ गई कि बांस का जो ओरिजिन है वो चाइना नहीं है, इंडिया है, यानी कि बांस पहले इंडिया में था, ठीक है, और इंडिया से ही फिर बाकी एशिया के अदर हिस्से वगैरह में गया, ये चीज़ तो होगी क्लियर क्योंकि इंडिया वाला लगभग 28 मिलियन ईयर पुराना है। दूसरी स्टडी ये क्लियर हो गई कि भाई जो एशिया के अंदर बांस है वो इंडिया से है, यूरोप से नहीं है। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इंडियन जो प्लेट है वो और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, तब बना था हिमालय माउंटेन, और ये जब एक्टिविटी हुई ना ये हुई थी लगभग 23 मिलियन ईयर पुरानी, यानी कि लगभग 23 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के टकराई थी और हिमालय बनना शुरू हुआ था। जबकि हमारे जो आसाम में बांस पाया गया वो क्या कितना पुराना है, 28 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो बांस था वो पहले इंडियन प्लेट में पाया जाता था। इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि बांस इंडिया में यूरोप से नहीं आया, बांस पहले इंडिया में पाया जाता था,
फिर इंडियन और यूरोपियन प्लेयर्स टकराई हैं। इसके बाद बांस धीरे धीरे चाइना या फिर बाकी और एशिया के हिस्से में ट्रांसफर हुआ है। तो ये दो चार इसे स्टडी हैं वो क्लियर हुई हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बांस के भी नए फॉसिल्स हैं वो कहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मोसाइक। मोसाइक का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, यानी कि जो आर्कटिक सर्किल है उसमें क्लाइमेट की स्टडी के लिए ये एक ऑब्जर्वेटरी है वो स्थापित की जा रही है। न्यूज में इसलिए आई है कि इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं एकमात्र जिनका नाम है विष्णु नंदन, इनको इस मिशन के लिए सिलेक्ट है वो किया गया है। अब बात ऐसी है कि मिशन कहाँ से अंजाम इसको दिया जा रहा है। देखो ये जो मिशन है ना, इसके लिए अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट है जर्मनी का, उसने एक तरीके से इसको स्पॉन्सर है वो किया इस मिशन को, और वो इस मिशन को अंजाम है वो देंगे, और उन्होंने इंडिया के साइंटिस्ट हैं विष्णु नंदन उनको सिलेक्ट है वो किया है इस मिशन के लिए। और इसके लिए जिस शिप का यूज किया जाएगा, जिस जहाज के थ्रू वो जाएंगे आर्कटिक सर्किल में, उसका नाम है पोलर स्ट्रेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पोलर स्ट्रेन नाम का एक शिप है, उसके थ्रू वो जो आर्कटिक सर्किल है उस हिस्से में जाएंगे और वहाँ की क्लाइमेट है उन सब के बारे में स्टडी है वो करने वाले हैं। ये अभी तक की आर्कटिक सर्किल की सबसे बड़ी स्टडी है वो है, और काफ़ी सारी इसमें इन्वायरमेंट क्लाइमेट्स जो चेंजेस आ रहे हैं इन सब के बारे में स्टडी है वो की जाएगी। और ऐसी स्टडी है जो कि नॉर्थ पोल के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छे से डीप स्टडी है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। देखो न्यूज ये आई है कि नेशनल ई असेसमेंट जो सेंटर है वो आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली इनोग्रेट है वो किया गया है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई नेशनल ई असेसमेंट सेंटर काम क्या करेगा। देखो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर का काम ये है कि जो भी इनकम टैक्स पेयर है ना, उन इनकम टैक्स पेयर को लेके उनके जो भी असेसमेंट हो गए हैं उनको फेसलेस किया जाएगा। मतलब कोई जरूरत नहीं होगी कि जो भी इनकम टैक्स पेयर है उसको फिजिकली प्रेजेंट होना हो, फिर उनका असेसमेंट सर्वे वगैरह वो किया जा रहे हो। तो ये सिस्टम इसमें क्या जाएगा, एक बार हम थोड़े इसके काम देख लेते हैं। इसके काम जैसे ये होंगे कि जो भी कंप्लाइंस है टैक्स पेयर की उनको इजी किया जाए, इसी के साथ ही ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया जाए, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी रहे इनकम टैक्स पेयर के लिए, इसी के साथ ही फंक्शनल्स हैं और भी हम बात करें स्पेशल ऑपरेशन हैं वो किए जाएंगे यहाँ पे, और जो असेसमेंट की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव है वो किया जाएगा। तो इससे हम बात करें तो रिस्क बेस्ड और जो फोकस अप्रोच है उसको ध्यान में लिया जाएगा, बेटर मॉनिटरिंग की जाएगी, और इसी के साथ जो हम बात करें और भी तो एक्सपेंडेंस जो डिस्पोजल है केस होगा वो भी फोकस किया जाएगा। यानी आपको ऑल ओवर सिंपल वे में बोलूं तो जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है इसका काम ये है कि जो भी हमारे देश में इनकम टैक्स पेयर है ना, इनका ई असेसमेंट काफ़ी इजीली हो जाए, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, इनकम टैक्स पेयर के लिए स्कीम है वो लाई गई है। अब देखो बात ऐसी है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है ना, एक तो इसमें दिल्ली में सेंटर बनाया जाएगा हेड सेंटर, उसके जो हेड होंगे उनका नाम होगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इसके बाद में 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, रीजनल सेंटर जैसे कि दिल्ली में बनाया जाएगा एक, एक मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो रीजनल सेंटर होंगे उनके हेड का नाम रखा जाएगा, उनके हेड को बोलेंगे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो बस ये एक छोटी सी न्यूज़ है तो आपको ध्यान में रखनी है कि इनकम टैक्स पेयर के लिए स्कीम है वो लाई गई है ताकि टैक्स वो इजीली पे वगैरह कर सकें, उनको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो और असेसमेंट भी आसानी से हो सके। अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। देखो ये बेसिकली क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी एक इम्पोर्टेंट फीचर के तौर पर, तो किससे है रिलेटेड है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, सेकंड है द रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज रूल 1999, थर्ड है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, और फोर्थ है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, जिस भी पर्सन ने अगर ईमानदारी से करंट अफेयर पढ़ा है वो इसको आँख बंद करके अटेंड है वो कर सकता है। देखो तो डेली न्यूज़ में था, और ऐसी बात नहीं कि इसी साल भी न्यूज़ था, पिछले साल भी न्यूज़ में था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के लिए स्टार्ट है वो किया जा रहा है, क्योंकि ई वेस्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को लेकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद प्रोवाइड करोगे, अदरवाइज कल आपको इसका आंसर डिस्कशन के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट ये है कि जो एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि बाहर से जो उधारी है ना, बाहरी कंट्रीज से, इंडिया से बाहर से जो उधारी ली जाती है वो सबसे ज़्यादा उधारी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन की जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो लेती हैं।
सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया ने बाहर से जो भी उधारी ली है ना, वो सबसे ज्यादा यूएस डॉलर की अमाउंट में, यानी कि यूएस डॉलर के फॉर्म में सबसे ज्यादा उधारी है वो ली गई है। प्लीज आप दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर प्रोवाइड करना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाई गवर्नमेंट एंटिटीज। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, यानी कि यूएस डॉलर में ही सारा डेप्ट है वो, एक्सटर्नल डेप्ट है वो लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर की फॉर्म में बताना है। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।